जरा सोचिए, राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि अब व्यक्ति नहीं, व्यक्ति का धर्म मायने रखता है। मायने रखता है कि क्या सपा, बसपा या कांग्रेस जैसी पार्टियां उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। सत्ता के लालच में ये पार्टियां इतना नीचे गिर चुकी हैं कि इनकी इंसानियत मर चुकी है। तभी तो परसों से मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा गया। सत्ता मिलते ही चाय में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। बेचारा मुस्लिम समाज भी इनके बहकावे में आकर इस्तेमाल होता रहा। इन पार्टियों ने विकास के वादे किए, बदले में विनाश मिला। शिक्षा की बात की, लेकिन बदले में अशिक्षा मिली। रोजगार की बात की, बदले में बेरोजगारी मिली। सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर रह गया था मुस्लिम समाज इन अवसरवादियों की सरकार में। कौन भूल सकता है इसी सपा की सरकार में 1200 से अधिक दंगे हुए थे। अगर मुस्लिमों के विकास की मुख्यधारा में पिछड़ने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सपा है। वक्त आ गया है भय भ्रम की राजनीति को छोड़कर इन दोगलों को पहचाने और तैयार हो जाएं कि अब ये लोग वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का सपना भी ना देख सके, वरना ये मौका परस्त जो करते आए हैं वही करते आएंगे।